नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। आज विजयदशमी है और पूरे देश सहित ग्वालियर में भी शस्त्रों की पूजा के साथ पूरे श्रद्धा भाव व हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। ग्वालियर में डियर प्लान स्थित पुलिस लाइन में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शस्त्र पूजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने हस्त फायरिंग की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा के पावन अवसर पर डीआरपी लाइन में पुलिस अधिकारियों ने परंपरागत ढंग से पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन किया। सर्वप्रथम शस्त्रों का पूजन किया गया, उसके बाद हवन कर आहुति दी गई। तदुपरांत सांकेतिक रूप से कॉमेडी की बलि दी गई और वाहनों का पूजन किया गया। अंत में उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने हर्ष फायर कर अपनी खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को विजयदशमी की बधाई दी। इस मौके पर आईजी अवनाश शर्मा, डीआईजी राजेश हिंगणकर, एसपी अमित सांगी, एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर, कृतिका बासल, जयराज कुबेर समेत समस्त डीएसपी, सीएसपी, टीआई और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्वालियर से खबर हरपल के लिए लक्ष्मण सेन की खबर। मैं सर्वप्रथम सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये पुलिस की परंपरा है। दशहरे के अवसर पे पुलिस लाइंस में शस्त्र पूजन किया जाता है और माँ दुर्गा की आरती की जाती है, हवन किया जाता है, जिसमें हमारे सभी अधिकारी उपस्थित रहते हैं। इसी अवसर पे हमारे शस्त्रों की एक बार पूरी सफाई भी होती है और माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। दशहरा बुराई के ऊपर अच्छाई का प्रतीक है और यही भावनाएं हम सभी पुलिसकर्मी लेकर अपनी ड्यूटी करते हैं। मैं पुनः ग्वालियर के सभी नागरिकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। सर, आज किस तरीके का पूजन? सर्वप्रथम दशहरे के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज डीआरपी लाइंस ग्वालियर में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया था हमेशा की तरह, जिसमें डीआईजी साहब राजेश हिंगणकर जी, एसपी साहब अमित सांगी और एडिशनल एसपी अधिकारी रक्षित निरीक्षक एवं हमारे प्रेस के बंधु उपस्थित थे और विधि विधान से इसका पूजन किया गया। मैं इस अवसर पर रावण दहन के समय सब लोग आते हैं, बड़े उत्साह के साथ आते हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का ध्यान रखें, अपने घर को एकांत में छोड़ के न जाएं, क्योंकि उस अवसर पर कुछ शरारती तत्व घटना घटित कर देते हैं। घर में बुजुर्ग रहते हैं, उनके साथ घटना घटित हो जाती है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हम लोग पेट्रोलिंग व्यवस्था तो रखेंगे ही उस समय पर, विशेषतः कॉलोनीज में, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखें। मैं पुनः दशहरे के इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।